सीरियस भी काटा जा रहा है, डोंट बी सीरियस गाइस, 2 किलोमीटर तो आते हैं ना तुम्हारा फिर से काटा जा रहा है। तो गाइस चलो, तो गाइस जितना भी हम आते हैं पर हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं जा रहा हूं इवनिंग वॉक पर। मैं कहां पर हूं और किस लोकेशन पे हूं मैं आपको बताता हूं, और मेरे साथ थोड़े दोस्त भी होने वाले हैं एक दो, तो उनसे भी मिलाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग पर, तो चलिए बने रहिएगा आप साथ में। तो गाइस फिलहाल तो मैं अपने रूम पे ही हूं, तो अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पर। मेरे साथ और भी होंगे दोस्त, तो उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। तो फिलहाल आपको मैं अपने रूम के बाहर का व्यू बताता हूँ, क्योंकि रूम का अंदर का व्यू बहुत ही खराब है क्योंकि फिलहाल सामान बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर। तो आपको बाहर का व्यू बताता हूँ कि क्या है, कैसे है, कौन सा शहर है, कहाँ पे हूँ। शहर नहीं कह सकते पर बहुत ही प्यारी जगह है। पर चलिए आपको बताते हैं व्यू, बताते हैं आपको व्यू, चेकआउट करवाते हैं कैसा व्यू है। तो गाइज हम रूम से तो निकल चुके हैं इवनिंग वॉक के लिए, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए फिलहाल चलते हैं इवनिंग वॉक पर। तो गाइज ये है वो दो दोस्त हमारे साथ, नीरज भारती एंड लक्की। तो ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है। हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पर जैसा कि मैंने आपको बताया, और हम कहाँ पर है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। नीरज भारती बताएगा कि हम कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा हर चीज खास है। अंजी भाई जी कुछ कहना चाहेंगे जो है वो समा। कैसा रहा आपका आज का कॉलेज का दिन? अरे वाह भाई, चलो कोई नहीं, भाई जी बीमार हो गए होने थे, बीमार हो गए अब। चलो छोड़ो, जिंदगी छोटी छोटी बिल्डिंग है ऐसी जी, चाहे जिंदगी किसको करा भाइयों, क्या कह रहे मेरे को भी खिलाओ प्लीज, मेरे को नहीं खिला रहे यार तुम। मैं भी खेलता हूँ क्रिकेट, मेरे को बहुत पसंद है। ओ सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। ये हम टाउन है यार, ये खतरनाक टाउन है, खतरनाक। तो गाइस ये आप देख सकते हैं रोड टाउन का सब छोटा जैसा पार्ट एक। हाँ, जब हम उस वाली लोकेशन पे जाएंगे तो फिर वहाँ से थोड़ा और इलेबोरेट होगा यहाँ से आगे। तो गाइस चेकआउट द व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। हमारे साथ आज लक्की बहुत ही कमेंटेटर बने हुए हैं, कमेंट्री कर रहे हैं व्लॉग में, मिस्टर नीरज भारती। तो मिस्टर ब्लॉगर है मिस्टर रविकांत जी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइज, लाइक एंड कमेंट गाइज। ये एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो ग्राउंड है। आज ब्लॉग में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें ही बता रहा हूँ। तो ये आप व्यू चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है,
छोटी छोटी करके छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाई गई है इधर, रोडू का छोटा सा पार्ट है ये, और सामने जो रिवर है वो है पब्बर रिवर, पब्बर रिवर बह रही है सामने। तो गाइज हम अभी हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के एक छोटे से टाउन में जो कि है रोडू। कहाँ है तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। हाँ किसी टाइम ये डिस्ट्रिक्ट बनने वाली थी, सही बात, पर नहीं बनाई, चलो कोई नहीं, आने वाले टाइम में तो बन ही जाएगी डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज फिलहाल तो हम इवनिंग वॉक पर जा रहे हैं, तो इवनिंग वॉक के बारे में हमारे को बताएंगे मिस्टर लक्की की इवनिंग वॉक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अरे जो अभी की हवा होती है वो थोड़ी क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी होती है। चलिए चलिए बता ही दे फिर। हाँ लक्की जी आप क्या कहना चाहेंगे, जाना चाहिए हमें इवनिंग वॉक पर? हाँ ये बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ। हाँ और जब हम शाम को चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेट होता है हाँ, बॉडी में हर एक पार्ट में हाँ, और ये इसके अच्छे फायदे है कि हाँ, शाम को ठंडी हवा नेचुरल हवा मिलती है गाइस। शाम को बाहर निकला करो जहाँ पर भी आप लोग हैं, थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी हवा है हाँ, ठंडी ठंडी हवा खाओ, तो आप ये व्यू चेकआउट कर सकते हो उस साइड। और आपको एक जगह हम बताएंगे जहाँ हम रोज बैठते हैं वो उस साइड आगे, तो चलिए बने रहिए। गाइस फ्रेश हवा है इस टाइम, घूमने में बहुत ही मजा आ रहा है, और पीछे की ओर रोहडू का इलाका, साथ में हाँ और साथ में हमारे घनिष्ठ मित्र मिस्टर लक्की जी, तो आप बने रहिएगा व्लॉग के साथ। उस साइड से एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है रोहडू का, तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देख सकते हैं आप व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है रोडू टाउन का, किसी दिन हम इस इधर भी जाएंगे, यहाँ भी देख सकते हैं व्यू, यहाँ बहुत आपने देख ही लिया पीछे, बहुत ही प्यारा व्यू है शाम को पड़ेगा रोडू का, कब पड़ेगा शाम को? आई थिंक व्लॉग आएगा, आएगा दो चार दिनों में। हाँ नहीं तो नहीं भाई, मैं दे दूंगा। तो गाइस सपोर्ट करो अगर दिल्ली के व्लॉग चाहिए तो, है ना क्यों? तो गाइस ये है व्यू पीछे का जो कि आप देख रहे हैं, आपको कैमरामैन साहब बता रहे हैं, कैमरामैन साहब का बहुत ही धन्यवाद। ये है रोहडू, पूरा इलाका रोहडू का है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही प्यारा टाउन है गाइस। यहाँ हम पूरा रोहडू एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था मैं रोहडू में होता हूँ, कॉल टैक कर रहा हूँ, शायद मैंने ये नहीं बताया था कि मैं रोडू में होता हूँ, मैंने बताया था कि मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो फाइनल ईयर है मेरा। तो गाइस मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल रोडू का स्टूडेंट हूँ जो कि मेरा फाइनल ईयर है सिविल इंजीनियरिंग में, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं अपने बारे में, आप व्यू चेक आउट करो। वो जो है पब्बर रिवर है जो कि आगे एक शायद कोई बड़ी नदी में मिलती है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है कि कौन सी नदी है। और ये जो है छोटे छोटे घर, छोटे छोटे नहीं काफी बड़े बड़े हैं। चलो फिर आगे बैठते अपने अड्डे पे, हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है रोहडू का बहुत ही प्यारा सा व्यू, वो है पब्बर रिवर, और ये जो है छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई गई है इंडियन ऑयल वगैरह, मतलब सब कुछ ये आप देख सकते हैं। ये हालांकि आधा इलाका ये रोहडू का, पूरा इलाका नहीं है, बहुत फैला हुआ इलाका है रोहडू। और तो फिर अभी हम कहाँ है हमारा अड्डा कहाँ है, सॉरी, तो यहाँ है हमारा अड्डा, हम रोज बैठते हैं इधर। ये है लक्की की सीट, ये मेरी सीट, ये है नीरज की सीट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर, क्या कैसा लग रहा है आपको? गाइस जी हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे, हम यहाँ पर रोज बैठते हैं, कम से कम 15-20 मिनट इवनिंग वॉक पर आते हैं, करीब 1 किलोमीटर। झूठ बोला जा रहा है क्यों? सीरियस भी काटा जा रहा है, डोंट बी सीरियस गाइस, 2 किलोमीटर तो आते हैं ना, तुम्हारा फिर से काटा जाए। तो गाइस चलो जितना भी हम आते हैं पर आते जरूर है इवनिंग वॉक पर, तो आप बने रहिएगा। तो गाइस देखो आप वृंदावन के वृक्ष, मजाक था, ये पब्बर रिवर देखो, इसका पानी बहुत अच्छा यार एज कम्पेयर टू सतलुज रिवर, वो तो बहुत ही गंदी होती है, मतलब मिट्टी वाली, और उसमें पानी भी ज्यादा है ना,
ये थोड़ा क्लियर क्लियर दिखता है जो हमारी रिसर्च नदी है ना, वो क्या ही नदी हो सकती है? हाँ 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 ये भी हो सकता है, एक रीजन वाला पानी आता है, कई जगह से साफ पानी आता है, तो एक जगह मिलके हमारा वो जो पानी है सब खराब हो जाता है। फिर उसमें प्रोजेक्ट भी बहुत बने हैं ना, प्रोजेक्ट भी बहुत बने हैं, जैसे हमारा नाथ पाजा हम जा रहे हैं अब अपने रूम वापस, तो यहीं पे ब्लॉग की समाप्ति होती है आज। और आप लोगों को एक मैसेज ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक वीडियो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।